हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान मंच में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप अपने लैपटॉप में कोई भी स्किन लगा सकते हैं। अगर आपने कहीं पे देखा होगा लैपटॉप में स्किन लगते हुए, तो आपको ज़रूर ये लगता होगा कि लैपटॉप में स्किन लगाना बहुत बड़ा काम है, बहुत हार्ड काम है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि लैपटॉप में स्किन लगाना बहुत ही ईजी है। आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा किस तरह से आपको लैपटॉप में स्किन लगाना चाहिए। तो इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कितना ईजी है। तो बिना समय गंवाते हुए चलिए देखते हैं। आज जो मैं स्किन यूज़ कर रहा हूँ उसे मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया। अगर आपको ये वाला स्किन पसंद आ रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, इसका परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे परचेस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो के आगे बढ़ते हैं। जैसे आप इसे परचेस करेंगे तो उसके साथ साथ आपको एक कागज़ मिलता है जिसमें इसके बारे में स्टेप बाई स्टेप लिखा हुआ है। तब भी इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप वीडियो में समझ जाएंगे। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले करना क्या है, तो सबसे पहले आपको अपना लैपटॉप लेके स्केल से नापना है कि उसका लंबाई और चौड़ाई कितना है। एकदम करेक्टली नापने के बाद उसे एक कॉपी में लिख लीजिए कि उसका आपका लैपटॉप का लंबाई कितना है और उसका चौड़ाई कितना है। उसके बाद जो आपका स्क्रीन है उसका भी लंबाई चौड़ाई नाप लीजिए। अगर दोनों मैच करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर दोनों मैच नहीं करता है, अगर आपका जो स्क्रीन है वो ज़्यादा लंबा है तो उसे आप कैंची से लेके काट दीजिए। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ किस तरह से मैं यहाँ पे जो मेरा स्क्रीन है थोड़ा लंबा है तो उसको मैंने कैंची से काट लिया है, तो उस तरह से आपको भी अपने स्क्रीन को कैंची से काट लेना है। काट लेने के बाद आपको अपने लैपटॉप का अपर पार्ट जहाँ पे आपका लैपटॉप पे स्क्रीन लगेगा उसको अच्छे से क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए अगर आपके घर में कोई गैजेट क्लीन करने वाला कोई स्प्रे है तो उसका मदद लेते हुए आपको लैपटॉप का अपर पार्ट को अच्छे से क्लीन कर लेना है। और इसका आप चेक कर सकते हैं, अगर आपके पास ये प्रोडक्ट है तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये प्रोडक्ट खासकर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर क्लीन करने के लिए है। अगर आपके पास है तो अच्छा बात है, नहीं तो कोई भी अदर आपके पास कोई भी गैजेट क्लीन करने वाला स्प्रे है तो वो भी ठीक काम चलाओ हो जाएगा। तो उसके बाद आपको अपना लैपटॉप का अपर सरफेस को अच्छे से पूरा साफ कर लेना है, कोई भी धूल गर्दा ऊपर रहना नहीं चाहिए। उसके बाद आपको लैपटॉप जो स्क्रीन है उसका कोना पकड़ के आपको अपर पार्ट से सीधे से एकदम लगाना, कहीं टेढ़ा सा आपको चिपकाना नहीं है, सीधे से एकदम लगाना चालू करना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ किस तरह से आपको अपना लैपटॉप में स्क्रीन लगाना चाहिए। तो एक बार वीडियो को अच्छे तरह से देखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने अपर पार्ट से लगाना चालू किया एकदम स्ट्रेट वाइज, मैंने कोई भी कोना पकड़े टेढ़ा करके इसको नहीं चिपका रहा हूँ, स्ट्रेट चिपकाना चाहिए। और उसका अच्छे से चिपकाने के लिए आपके पास अगर कोई कार्ड हो तो उसका इस्तेमाल करिए। कार्ड से पूरा जितना भी आप जहाँ जहाँ चिपकाते जा रहे हैं वहाँ वहाँ से हवा पास करते निकालते जाइए, उसके बाद इसको अच्छे से चिपकाते जाइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं अपने कार्ड से लैपटॉप पे स्क्रीन चिपका रहा हूँ, तो उस तरह से आपको भी चिपकाना है। यहाँ पे हमारा लैपटॉप में स्किन लगाने का काम ख़त्म हो गया है। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से आपको अपने लैपटॉप में स्किन लगाना चाहिए। जैसे आप स्किन लगा देंगे तो कहीं कहीं आपका हवा जो दिख रहे हैं हल्का हल्का फुला हुआ दिख रहा है वो कहीं कहीं छूट जाता है, तो उसको अगर ठीक करने के लिए आपको कार्ड की मदद से उस हवा को बाहर निकालना है लैपटॉप की स्किन से। तो देख सकते किस तरह से यहाँ पे मैं अपने लैपटॉप में जो हवा छूट गया उसको इस तरह से बाहर निकाल रहा हूँ। अगर हो सके तो जब भी आप लैपटॉप में स्किन लगाए तो दो आदमी रहे तो काफ़ी अच्छा मदद होता है चिपकाने में। तो दोस्तों, इस तरह से आपको अपने लैपटॉप में कोई भी स्किन लगाना चाहिए। अगर दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और मैं इस तरह के नए नए वीडियो लेके आते रहता हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।